तो नया टॉपिक है अपना मल्टीप्लिकेशन थ्योरम ऑन प्रोबेबिलिटी। चलिए, इसका मतलब क्या है, मल्टीप्लिकेशन थ्योरम क्या है, मैथमेटिकली हम कैसे कैलकुलेट करेंगे वो बाद की बात है, बट इससे समझेंगे क्या हम, इसका मतलब क्या है, मल्टीप्लिकेशन थ्योरम का मतलब क्या है। सपोज कोई दो इवेंट्स हैं ई और एफ, लेट मी चूज अ डिफरेंट कलर, ठीक है जी, इसको तो हटा देता हूँ मैं, ये तो फीका सा कलर है। ई एंड एफ कोई दो इवेंट्स हैं, ठीक है, और सेम सैंपल स्पेस में, सेम सैंपल स्पेस, इनकी सैंपल स्पेस जो है वो सेम है, जिसको कि हम एस से रिप्रेजेंट कर देंगे। तो सेम सैंपल स्पेस पे दो इवेंट्स हैं, अब ये दो इवेंट्स दोनों एक साथ आ जाएं, एक साथ अकर हो जाएं, या फिर एक के बाद एक अकर हो जाएं, तो उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी। तो देखिए, दोनों इवेंट अगर एक साथ अकर होते हैं, इसका मतलब ई इंटरसेक्शन एफ, वो जो एलिमेंट्स हैं वो आएंगे। अब ये ई और एफ जो इवेंट्स लिख रहा हूं मैं, इससे सेट भी बनेंगे आपके पास, इवेंट ई से जो सैंपल स्पेस में से और जो अकर होंगे आपके आउटकम्स आएंगे, उनसे जो सेट बनेगा वो सेट ई, और इवेंट एफ के कारण जो सेट बनेगा आउटकम्स का, उसको हम सेट एफ से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ठीक है। सो इन दोनों सेट्स का इंटरसेक्शन यानी कॉमन एलिमेंट्स अगर अकर हो गए, यानी कि दोनों इवेंट अकर हो गए, ठीक है, तो और एक के बाद एक भी अकर हो रहे हैं, तो भी हम यही यूज करेंगे कि पहले इवेंट ई अकर हो गया फिर एफ अकर हो गया, लाइक दैट, ठीक है। इसको हम यूं भी लिख सकते हैं, यूं भी लिखेंगे ई एंड एफ, ठीक है। सो दोनों इवेंट्स साइमल्टेनियसली अकर हों, उसकी प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करनी है, और जब दोनों साइमल्टेनियसली अकर होंगे तो ई इंटरसेक्शन एफ आ जाएगा अपने पास। तो जो हमने फॉर्मूला कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का फाइंड आउट किया था, उसी को मैं यहां यूज कर रहा हूं। देखिए, पी प्रोबेबिलिटी ऑफ ई व्हेन एफ हैज अकर्ड इज इक्वल्स टू प्रोबेबिलिटी ऑफ E इंटरसेक्शन F डिवाइडेड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ F, ऐसा किया था हमने। अब हमें कौन सी प्रोबेबिलिटी चाहिए, हमें चाहिए ये प्रोबेबिलिटी ऑफ E इंटरसेक्शन F। सो मैं इसको ले जाता हूं लेफ्ट हैंड साइड, सो प्रोबेबिलिटी ऑफ F इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ E when f has already occurred is equals to probability of e intersection f. This is multiplication theorem on probability. Simple बात है, ठीक है, इसको rearrange करता हूं। Probability of e intersection f, इसका मतलब क्या है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ साइमल्टेनियस अकरेंस ऑफ ई एंड एफ, यूं भी लिख सकते हैं हम इसको ई एंड एफ, इक्वल्स टू प्रोबेबिलिटी ऑफ अकरेंस ऑफ एफ मल्टीप्लाइड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ अकरेंस ऑफ ई व्हेन एफ हैज अकर्ड। अब इसको ध्यान कैसे रखना आपको, देखिए एफ तो पहले ओकर हो चुका, अब मल्टीप्लाई क्या करेंगे कि एफ ओकर होने पे कंडीशनल प्रोबेबिलिटी क्या है ई के अकर होने की, तो उसका मल्टीप्लिकेशन कर देंगे, सिंपल सी बात है। अब देखिए, ये जो पी ई इंटरसेक्शन एफ है ना, ये दूसरी तरीके से मिल सकता है, कैसे, प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ व्हेन ई हैज अकर्ड, उस केस में भी आपको क्या मिलेगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ इंटरसेक्शन ई डिवाइडेड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ ई, एंड वी नो दैट लिख देता हूं मैं, वी नो दैट प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ इंटरसेक्शन ई इज इक्वल्स टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ इंटरसेक्शन ई की जगह लिख देता हूँ ई इंटरसेक्शन एफ इक्वल्स टू, ये किसके बराबर हो जाएगी, इसको उधर ले जाओ, देखो प्रोबेबिलिटी ऑफ ई मल्टीप्लाइड
probability of f when e has already occurred. सिंपल, ई तो अकर हो चुका ना पहले, तो फिर एफ के अकर होने की कंडीशनल प्रोबेबिलिटी क्या है उसके साथ इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये रिलेशन आ जाएगा अपने पास. ठीक है, तो इसको दो तरीके से लिख सकते हैं, एक तरीका ये, दूसरा ये कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ इज इफ एफ हैज ऑकर्ड देन प्रोबेबिलिटी ऑफ ई occurrence of E when F has occurred, और दूसरे तरीके से लिखेंगे तो अगर E occur हो चुका है तो probability of E multiplied by probability of F when E has already occurred. Simple है, कोई दिक्कत नहीं इसमें. दोनों को एक साथ मिला के अगर हम लिखें तो लिख सकते हैं probability of E intersection F is equals to probability of E multiplied by probability of F when E has occurred, और अगर F पहले occur हो चुका है तो probability of F multiplied by probability of E when F has occurred. अच्छा, इसमें ये ध्यान रखिएगा PE और PF जो हैं वो जीरो नहीं होनी चाहिए, ये कंडीशन है. PE is not equals to zero and P of F is also not equals to zero. ये कंडीशन हमें ध्यान रखनी है. सो ये मल्टीप्लीकेशन थ्योरम है प्रोबेबिलिटी की, सिंपल है. अच्छा, ये तो बात हुई जब दो इवेंट्स हैं. अगर तीन हो तो, अगर तीन इवेंट्स मान लीजिए ई एफ और जी, तीन इवेंट्स हैं जो अकर हो रहे हैं साइमल्टेनियसली या एक के बाद एक, तो प्रोबेबिलिटी कैसे फाइंड आउट करेंगे इनकी साइमल्टेनियसली होने की या एक के बाद एक. तो वो फॉर्मूला है जो उसको एक्सटेंड कर देंगे हम. कैसे एक्सटेंड करेंगे, देखिए, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ इंटरसेक्शन जी इक्वस टू, अब इनमें से कोई एक पहले ओकर करवा लीजिए आप. जैसे सपोज प्रोबेबिलिटी ऑफ अकरेंस ऑफ ई मल्टीप्लाइड probability of occurrence of F when E has occurred multiplied probability of occurrence of G when E intersection F has already occurred. Simple सी बात है. अब इससे हमें समझना क्या है, देखिए तीनों events simultaneously occur हों या एक के बाद एक occur हों, तो अगर एक अकर हो चुका है तो दूसरे को चेक करेंगे हम कि जैसे ई अकर हो चुका है तो एफ के अकर होने की प्रोबेबिलिटी क्या है, और ई और एफ दोनों अगर अकर हो चुके हैं तो फिर जी के अकर होने की प्रोबेबिलिटी क्या है. सिंपल सी बात है. अब यहां कोई भी रख सकते हैं आप. सपोज ये पी एफ रख लिया मैंने, ठीक है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ई व्हेन एफ हैज अकर्ड मल्टीप्लाई प्रोबेबिलिटी ऑफ जी व्हेन ई इंटरसेक्शन एफ हैज अकर्ड, या फिर आप यहां पे जी रख लीजिए इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ ई मान लीजिए व्हेन जी हैज अकर्ड मल्टीप्लाई प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ व्हेन ई इंटरसेक्शन जी बोथ हैव अकर्ड. सिंपल, तो कोई भी रख सकते हैं यहाँ, आपके पास आंसर आ जाएगा.